स्वागत है आपका जनता टीवी में। चली रुक कर लेते खबरों का। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब देश के दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। झारखंड में दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को ये वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होने हैं, 20 नवंबर को मतदान और 23 को रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या है इन राज्यों का सियासी समीकरण, वो इस रिपोर्ट में एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही चुनावी राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वायनाड समेत 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दो लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट है। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर कांग्रेस से वसंत राव चव्हाण ने जीत हासिल की थी। चुनाव में जीत के कुछ महीने बाद ही उनके निधन से ये सीट खाली हुई। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट पर यही हाल है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हाजी नूरुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी। चुनाव के कुछ महीने बाद उनका भी निधन हो गया। इसके अलावा 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इसमें शामिल राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उपचुनाव वाले राज्यों में सीटों की अगर बात करें तो 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव है, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं और असम की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार की 4 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। पंजाब की 4 सीटें हैं, कर्नाटक की 3 सीटों पर चुनाव है, केरल की 3 सीटों पर उपचुनाव है, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, सिक्किम की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, गुजरात की 1 सीट और उत्तराखंड की और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीटें शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर साल 2024 को खत्म होने वाला है। ऐसे में नवंबर तक राज्य की 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। वहीं महायुति और MVA में जीत की होड़ लगी है। सत्तारूढ़ दल महायुति में बीजेपी, शिवसेना और NCP मौजूद है। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, UBT, NCP, SP और शेखाप जैसे दल विपक्ष के MVA गठबंधन का हिस्सा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महायुति को 201 सीटें मिली थी, वहीं MVA 67 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण। कुल सीटें 288 हैं, जिनमें बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। सत्तारूढ़ महागठबंधन की कुल सीटें 201 है, बीजेपी की 103 है, शिवसेना की 37, NCP की 39, छोटे दल की 9 है, जबकि निर्दलियों की 13 सीटें हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण। महाविकास अघाड़ी की कुल सीटें 67 हैं, कांग्रेस की 37 सीटें हैं, शिवसेना UBT की 37 सीटें हैं, NCP SP की 13 सीटें हैं, शेखाप की 1 और निर्दलीय की 1 सीट है। महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण। अन्य पार्टियां MIM की 2, SP 2 और CPIM की 1 सीट है। झारखंड के 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य में कुल 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 सीटों पर जीत जरूरी है। झारखंड में NDA गठबंधन विपक्ष में है, जिसे पिछले चुनाव में 28 सीटें मिली थी। वहीं सत्तारूढ़ दल के पास 47 सीटें मौजूद हैं। झारखंड का राजनीतिक समीकरण। कुल सीटें 81 हैं और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 47 कुल सीटें हैं, JMM के पास 27 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 18, राजद के पास 1 और CPIM के पास 1 सीट है। झारखंड का राजनीतिक समीकरण।
एनडीए के पास कुल सीटें 28 हैं, बीजेपी 24 हैं, आजसू के पास 3 सीटें हैं और एनसीपी एपी के पास 1 सीटें हैं। झारखंड का राजनीतिक समीकरण, अन्य प्लस निर्दलीय 6 हैं, निर्दलीय 2 और अन्यों के पास 4 सीटें हैं। झारखंड में महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है, इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपई बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिब्बू सोरेन के साथी रहे चंपई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के शेड्यूल के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 15 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। चुनाव घोषित होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। फ्रेंड्स, कमिंग टू झारखंड, झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन टू फेजेस। द डेट ऑफ पोल, फर्स्ट फेज वुड बी ऑन डेट ऑफ पोल वुड बी ऑन 13th नवंबर एंड द सेकेंड फेज वुड बी अलोंग विद महाराष्ट्र ऑन 20th नवंबर। सो द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर झारखंड फेज 1 वुड बी 18th एंड फॉर फेज 2 वुड बी 22nd अलोंग विद महाराष्ट्र। Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this we end our presentation with the request that through you that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव होगा। 20 नवंबर को मतदान होगा जबकि 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। वहीं झारखंड में दो चरण में मतदान होगा, पहले चरण के तहत 13 नवंबर को तो दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शेड्यूल, महाराष्ट्र में एक फेज में ही चुनाव होंगे। नामांकन 22 से 29 अक्टूबर के बीच भरा जाएगा, वहीं नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। 4 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे, वहीं 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव शेड्यूल की बात करें तो यहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव का शेड्यूल, झारखंड में दो फेज में चुनाव होने हैं। पहले फेज के लिए नामांकन 18 से 25 अक्टूबर के बीच भरा जाएगा। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दूसरे फेज की अगर बात करें तो 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 20 नवंबर को मतदान होंगे, वहीं नतीजे 23 नवंबर को ही जारी किए जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने उपचुनावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 20 नवंबर को बाई इलेक्शन होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। वहां कुल 288 सीटें हैं। किसी भी दल को बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए होगा। मौजूदा समय में राज्य में महायुति एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी जिसमें बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे जो कि फिलहाल सीएम है, उनके गुट वाली शिवसेना शामिल है। ये उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतजार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा, तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जहां विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा निर्णय लिया, दो फेजेस में चुनाव को संपन्न करा रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ इसका परिणाम आ जाएगा और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के होश उड़ गए। वो एक महीने ज्यादा सत्ता में रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता है इसका अंतिम कार्यकाल है, तो हम चुनाव आयोग की इस घोषणा की स्वागत करते हैं। नहीं देखिए, 13 नवंबर को जिस समय चुनाव होंगे तब तक छठ, दिवाली सब संपन्न हो चुका होगा, उसके तुरंत बाद कोई त्यौहार नहीं है, फिर 20 को नेक्स्ट राउंड की काउंटिंग है, नेक्स्ट राउंड की पोलिंग है, तो इस तरीके से सारे त्यौहार खत्म हो जाएंगे और 23 को जब काउंटिंग होगी तो उस समय तो काफी अच्छा समय माना जाता है झारखंड का वेदर के लिहाज से भी। तो हमारी अपील रहेगी झारखंड के 2,60,00,000 वोटर से कि बड़ी संख्या में निकले और इस लुटेरी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। किसी भी दल को वहां बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होंगी। मौजूदा समय में वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।